आप सबको मेरा सपेक्ष जय भीम। आपकी रैली जो कर्मचारी की है ना कि यह पॉलिटिकल रैली है, पॉलिटिकल रैली में लोगों को खरीद के लाया जाता है, ये तो कर्मचारी आपके अपने खुद के पैसे खर्चा करके अपने लड़ाई के लिए आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था, पढ़ो संघर्ष करो और एकजुट हो। आप सबसे पहले तो हमारे ऊपर आघात जो हो रहा है वो एजुकेशन के ऊपर आ रहा हो रहा है। हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग जो शिक्षा में जो सहूलत थी वो सहूलत के कारण एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आजकल सहूलतियाँ जो बंद कर दी है तो गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। आज सारे छोटे से नर्सरी में यदि एडमिशन लेना चाहे तो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देना पड़ता, और हमारा गरीब समाज जो है उनको खाना जो तक मिलता नहीं वो पैसा कैसा है। तो पहला तो आघात हमारे एजुकेशन के ऊपर हो गया है। उसके बाद में जो हमें जो सर्विस मिलती थी रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो मिलता था और जो रिजर्वेशन के कारण हम ये सर्विस में आते थे तो उसमें रिजर्वेशन ना रहा है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन वाले को हर एक पेपर में लिखते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे नहीं, हम जो एबल लोग हैं हम उन एबल लोगों को देंगे, एबल लोग कोर्ट में करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये हमारे रिजर्वेशन प्रमोशन अलग अलग प्रमोशन जो रिजर्वेशन से उसमें आयात कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें हमें यदि सबसे पहले रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दे तो हमारे जो ग्रुप जो प्रमोशन मिलता था अलग अलग लेवल के ऊपर हमारा प्रमोशन होता था वो बंद हो जाएगा। वो होने के बाद में वो रिजर्वेशन इन पोस्टिंग भी बंद कर देंगे, इसलिए हमें आगा होकर एजुट होकर लड़ना होगा। और हम भी कर्मचारी आंदोलन करके गवर्नमेंट को और जुडिशियरी को ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो हमें सभी सभी माधव वर्ग के कर्मचारी जहाँ पे SC ST OBC है, क्योंकि हमारे अधिकतर हमारे इसमें कोई भी आंदोलन होता है तो SC के लोग आगे रहते हैं, फैसिलिटी ST के भी लोग लेते हैं। यहाँ पे मेरा ज्यादा ज्यादा ST के लोग कम होंगे और OBC के लोग ज्यादा होंगे। तो हम लोगों ने हमें जो 3% जो पॉपुलेट लोग हैं हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ख्याल करके हम सब लोगों ने ST ST OBC के कर्मचारियों ने एकजुट होके हमारे नायक संवैधानिक के जो हमें अधिकार दिया है उसके लिए लड़ना चाहिए। सारी बात लो पेंशन की यदि बात करते हैं तो 2004 से हमारे पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन जहाँ पे MLA MLC ये संसद है उन्हें पहले 5 साल के बाद में पेंशन मिलता था और अमेंडमेंट करके उसको 3 साल के बाद में मिल गया। हम 30 साल सर्विस करते हैं फिर भी हमें पेंशन नहीं मिलती, और सबसे ज़्यादा हम सवेरे हमारे पेंशन के ऊपर हमारे जो कुछ भी पैसा मिलता है उसके ऊपर हमारे परिवार निर्भर करता है। तो हमें ज़्यादा तो नहीं ज़्यादा क्योंकि मुझे संक्षिप्त में बोलने के लिए जो बताया गया है मैं आप लोगों से कर्मचारियों के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा वर्तमान और आने वाला फ्यूचर ख्याल में करते हुए हमारे ऊपर जो आघात हो रहा है जुडिशरी के माध्यम से गवर्नमेंट के माध्यम से उनको उनके ऊपर दबाव डाल के हमारे जो फैसिलिटी है वो बरकरार रखने के लिए हमें आंदोलन करना होगा और हमें एकजुट करके हमारे में भाईचारा पैदा करके हमें लड़ना होगा। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद।